प्यारे बहनों, आप सब कैसे हो? खैरियत से? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ, आलू वाले पराठे बनाएंगे। प्यारे बहनों, आओ देखते हैं कि हमने किस तरह मसाला बनाया है। सबसे पहले हमने आलू बॉइल किए बहनों, ठीक है। तकरीबन हमारे पास 1.5 किलो आलू है। ये आपके घर का मसला है कि आपको ज्यादा चाहिए या कम चाहिए, ठीक है। हमने आलू बॉइल किए, फिर उसको मैश किया अच्छे तरीके से। देखें कितने साफ सुथरे हमने मैश किए। अगर हम प्रेशर में आलू उबालते हैं तो 5 मिनट में हमारे आलू हो जाएंगे। अगर हम वैसे किसी स्टील की पतीली में आलू उबालते हैं तो हमारे 25 मिनट में आलू होंगे, ठीक है। प्यारी बहनों, गौर से टाइम देख के अपना हर काम करें कि टाइम भी बच जाता है और काम भी हमारे अच्छे तरीके से हो जाते हैं। अब देखते हैं हमारे पास मसाले कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमारे पास है सुरख मिर्ची है, गर्म मसाला, ये हमने कट्ठा ही मिक्स कर लिया था। हरा धनिया हमारे पास कटा हुआ, धो के इसको काटना है बहुत अच्छे तरीके से। प्यारी बहनों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, बहुत सारा हमारा प्यार आपके साथ। दुआओं में याद रखिएगा हमें। ये देखिए प्यारी बहनों, हमने ये ले लिया सूखा धनिया, जीरा, ज्वाइन, ये चीजें, हरी मिर्च, हमने इसके अंदर सब कुछ ये पेस्ट बना लिया। अगर हम इसकी हरी मिर्च का ज्यादा पेस्ट बनाते तो वो नहीं सही तरीके से बनना था। इसके अंदर पता ही नहीं चल रहा कि बच्चे खा लेंगे आराम से। ये हमारे पास अनारदाना है, अनारदाना आपको जितनी ज़रूरत है आप डाल सकते हैं, हमें इतना था हमने इतना ही ले लिया। प्याज है हमारे पास 2 अदद, हमने काटे हैं प्याज। आपको अगर ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ये हमारे पास थोड़ा सा घी है और नमक है हमारे पास, ठीक है। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। प्यारी बहनों, अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह हमने इसके अंदर डालना है। सबसे पहले हम डालेंगे लाल मिर्ची और गर्म मसाला, ठीक है। इस तरीके से हमने डालना है, ये हमने डाल दिया। अब हम डालेंगे नमक और घी। घी जरूर डालना प्यारी बहनों, ये नहीं कि पीठी नहीं, पीठी की रोटी बहुत मजे की बनेगी। आप टिक्की बनाएं चाहे कोई भी चीज बनाएं, बहुत लजीज बनेगी। ये देखें हमारे पास प्याज है, प्याज इस तरीके से काटें, ना इतने मोटे हो ना इतने बारीक हो, ठीक हो गया प्यारी बहनों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, बहुत सारा हमारा प्यार आपके साथ। प्यारी बहनों, खाना भी पढ़ाई अपनी जगह पे है, खाना भी बनाना सीखें, बहुत जरूरी है, जिंदगी का एक हिस्सा है। अगर जिसको खाना नहीं बनाना आता उसके लिए बहुत सारे मसले खड़े होते हैं। अगर काम नहीं करना आता तो बहुत सारे आगे जाके मसले हमारे लिए खड़े होते हैं, ठीक है। प्यारी बहनों, हमने इसलिए ये पीस लिया कि इसका पीसने का टेस्ट और होता है, अगर हम साबुत डालेंगे उसका टेस्ट और होगा, ठीक है। ये हरी मिर्च है, देखिए बिल्कुल नहीं हमें नजर आ रही हमारी, इसलिए हरी मिर्च भी डाली है, ठीक है। ये देखिए अनारदाना है, अनारदाना तकरीबन अगर आप चेक कर लें, अगर खट्टा है ज्यादा तो फिर कम डालें, अगर नॉर्मल है तो फिर आप थोड़ा सा ज्यादा भी डाल सकते हैं। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है हमारे पास, ये थोड़ा ही डलेगा, तकरीबन आधा चम्मच, ठीक है। ये हमने डाल दिया, अब हम इसको मिक्स करते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं सारी चीज। चले, ये देखिए प्यारी बहनों, हमने इसको मिक्स कर लिया, बहुत अच्छे तरीके से हमने मिक्स किया। देखिए इसकी रोटी बनेगी बहुत मजे की, बहुत टेस्टी, आप खाएंगे आपको बहुत मजा आएगा। अगर जिनको वो क्या कहते हैं केचप पसंद है, मायोनीज पसंद है, वो साथ खा सकते हैं। अगर दही का रहता आपको पसंद है आप वो भी खा सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर अंडा लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं। देखिए एक हमारे पास आलू है, अल्लाह ताला की नेमत है, कुदरत खुदा की, हम इसको अच्छे तरीके से किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। प्यारी बहनों, इसी तरह मेरी एक छोटी सी बात याद रखिएगा, माँ बाप का अदब नहीं भूलना। देखें जो माँ बाप का अदब भूल गया वो दुनिया में कभी भी सुख नहीं डालेगा, ठीक है। अगर माँ नहीं राजी तो कुछ भी नहीं राजी, अपने घर का सुकून आप बर्बाद करेंगे। ये देखें प्यारी बहनों किस तरह हमने इसको मिक्स किया है, बहुत अच्छे तरीके से किया है। आपने भी ऐसे ही बनाना है। अब हम रोटी बनाएंगे, फिर आपको हम दिखाएंगे कि रोटी हम किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। ये हमने मिक्स कर लिया। चलिए प्यारी बहनों, अब हम रोटी बनाते हैं, आपको बताते हैं कि रोटी किस तरीके से बनानी है। हमने तवा ऊपर रख दिया, आंच इसकी जला दी। अब हम पेड़े बनाते हैं, आपको बताते हैं कि किस तरह। पहले ही हमने ना आटा गूंथ के अजवाइन और कलवंजी डाल के रखा होता है, ठीक है। पेड़ा हमने लेना है बिल्कुल नॉर्मल तरीके का, बड़ा नहीं लेना, इस तरह लेना है, ठीक है। ये देखिए 2 पेड़े हम कर लेते हैं, आपको रोटी बना के दिखाते हैं। प्यारी बहनों, गौर से देखिएगा रोटी कैसे बनती है, बहुत प्यारी रोटी बनेगी, बहुत मजे की रोटी बनेगी, आप खाएंगे आपको पसंद आएगी। हमारी वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, बहुत सारा आपका प्यार हमारे साथ। ये देखें इस तरह से ये इधर रख लें, एक ऐसे और करनी है, ठीक है। और ये कहते हैं ना कि पीठी ज्यादा डालें तो रोटी मजे की बनेगी, नहीं, इसमें जो मसाले डालेंगे जायका तो उस चीज का आना है ना, हमें ज्यादा डालने से जायका नहीं होता, ठीक है, मसाले का ही जायका होता है। प्यारी बहनों, ये देखें इस तरीके से हम रोटी बनाएंगे, हो गया।
ये हमने अंडे में ना थोड़ी सी काली मिर्ची और नमक डाला है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम इसको फैन लेंगे, ज़्यादा नहीं फैन देंगे। ये हम अपने पास रख लेते हैं, आप बताते हैं कि रोटी पे कब लगाना है हमने। अभी हमारे पास आलू है, आपको दिखाए थे जो हमने पीठी बनाई थी, वो अब हम इसके अंदर डालते हैं। ये देखो प्यारी बहन, इस तरीके से डालें, ज़्यादा डालने की बात नहीं, आप जितनी मर्जी डाल लें, टेस्ट होना चाहिए पीठी में, वो फिर ही रोटी का मज़ा आएगा। इस तरह रोटी का मज़ा नहीं आएगा, अगर ये उबले हुए आलू डाल देंगे तो फिर तो वो जायका नहीं आएगा ना। हमने देखे इसके अंदर कितने मसाले डाले हैं, बहुत मज़े की रोटी बनेगी, बहुत टेस्टी बनेगी, आप खाएंगे आपको पसंद आएगी, ठीक है प्यारी बहनों। ये देखें इस तरीके से, साथ ही हम हाथ साफ कर लेते हैं। अब ये है हमारे पास दूसरी रोटी, ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से हमने रोटी बनानी है, ठीक है। ये देखें बहुत ज़बरदस्त हमारी रोटी बनेगी, बहुत प्यारी बनेगी, बहुत टेस्टी रोटी बनेगी। अब हम इसको ना थोड़ा सा हाथ से सीधा कर लेते हैं, ठीक है। अब हम आटा लगाएंगे थोड़ा सा इस तरह, ये देखिए। अब हम इसको थोड़ा सा बेल लेंगे कि हमारी रोटी बिल्कुल गोल आए, ज़्यादा खुश्का नहीं लगाना, ज़्यादा खुश्का लगाएंगे तो रोटी का टेस्ट नहीं आएगा, ठीक है प्यारी बहनों। गौर से देखें, आटे में जवैन कलौंजी हम रोज़ाना ही गूंथ के रखते हैं, वही हमारे बच्चे रोटी खाते हैं, बहुत पसंद करते हैं हमारे बच्चे रोटी। ये देखें इस तरीके से, इसको ज़्यादा नहीं हमने हिलाना। ये देखें तवा पहले भी हमने साफ किया था, अब फिर साफ कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से रोटी डालनी हमने, ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त गोल रोटी हमारी बनी है, ठीक है। तवा हमारा फुल गर्म हो चुका है, तकरीबन एक डेढ़ मिनट में रोटी बनती है। आप हमारे साथ ही रहिएगा, हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से रोटी को पलटना है। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रोटी देखें कितनी ज़बरदस्त हो गई है। अब हम इसके ऊपर घी लगाएंगे थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं लगाएंगे, ये उल्टी साइड है, ठीक हो गया प्यारी बहनों। गौर से देखें, ये नहीं कि घी ज़्यादा लगेगा तो हमारी रोटी मज़े की बनेगी, नहीं, सारा हाथ ही हमारे हाथों का टेस्ट है, बड़े प्यार से इसको बनाएं। अब हम इसको पलटते हैं, ये देखें रोटी हमारी दस की तैयार हो गई। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगाएंगे इस तरीके से, ठीक है। ये देखो प्यारी बहनों, क्योंकि हमारा तवा रूखा ना हो कि जब हम अंडा डालेंगे ये ना हमारा साथ चिपक जाए, ठीक हो गया। ये देखें इस तरीके से बिल्कुल हमने इसको बस थोड़ा सा हिलाना है, फिर हमने इसको सीधा कर लेना है। ये देखें प्यारी बहनों इस तरीके से। अब हम इसके ऊपर ऑयल और डालेंगे, घी डालें, ऑयल डालें, जो आपको पसंद है आप वो ही डालेंगे, ठीक हो गया। ये देखें इस तरीके से हमने इसके घी डाल दिया। अब ये हमारे पास जो अंडा था ना, हम वो लगाएंगे इसको। प्यारी बहनों गौर से देखें, बहुत मज़े का पराठा बनेगा, बहुत टेस्टी बनेगा, ठीक है। घी हमें कम लग रहा है, थोड़ा सा हम मोर डाल लेते हैं। अब आपने इसको किस तरीके से पलटना है ये आपने ध्यान करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें। अब हम इसको तकरीबन थोड़ी देर के लिए ऐसे छोड़ देते हैं कि इसके साथ अंडा चिपक जाए। माशाल्लाह अंडा हमारा इसके साथ चिपक गया, बहुत मज़े का पराठा बनेगा। अब हम आपको दिखाते हैं उस तरफ से, ये देखें प्यारी बहनों इस तरीके से बच्चे खाएंगे, बहुत पसंद करेंगे ये, ठीक है। अब अभी ये हमारा अंडा लाल नहीं हुआ, हम इसको इस तरह पे करते हैं, ठीक है। ये देखें बच्चों की सेहत के लिए बहुत अच्छा है, बहुत फायदेमंद है, ठीक हो गया। ये देखें प्यारी बहनों, अभी थोड़ा सा कच्चा लग रहा है, हम इसको पकाते हैं, इसको हिलाएंगे और साथ साथ इसको पकाएंगे। बहुत मज़े का हमारा पराठा बना है। इसके साथ आप दही ले लें, चाहे आप केचप ले लें, मायोनीज ले लें, जो आपको पसंद है वो ले लें, ठीक हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा पराठा बना है। बहनों आप खाएंगे आपको बहुत पसंद आएगा, बहुत टेस्टी, बहुत लजीज है, ठीक हो गया। अब हम थोड़ा सा सेक लगवाते हैं, फिर हम इसको प्लेट में रखते हैं। ये देखें प्यारी बहनों, इस तरीके से इसको रखना है। माशाल्लाह हमारा पराठा देखें कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है। अब हम इसको रखते हैं प्लेट के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, ये देखें प्यारी बहनों, बहुत मज़े का हमारा पराठा बना है, बहुत टेस्टी बना है, बहुत लजीज बना है। आप बनाइएगा, अपने बच्चों को दिए, बच्चों को बहुत पसंद आएगा, बहुत प्यार से हमने बनाया आपके लिए, बहुत ज़बरदस्त बना है हमारा पराठा, ठीक है प्यारी बहनों। आज की हमारी रेसिपी ये थी, कल हम आएंगे आपके लिए नई रेसिपी लेके। कल तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।